Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of January 2020. So 30 January 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join it by the links given in the description and comment section below. Aur jinko December month ka Hindu aur Indian Express ka PDF chahiye, wo le sakte hai. Link niche description comment mein hai. PDF English medium ki hai, English mein rahenge, theek hai na? To aap le sakte hai, links niche description aur comment section mein mentioned hai. Let's start with the questions first. आज के questions देख लेते हैं. First question: Which of the following was were the views of early nationalists on labour class movements? First statement is they did support the Factory Act of 1881 and 1891. They differentiated between the labour of the Indian owned factories and those in British owned factories. Third, they were indifferent to the labour's cause. कौन कौन से statements सही हैं? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, या none of the above. Question number 2 is, consider the following statements. Bipin Chandra Pal and G. Subramaniam Iyer demanded better conditions for workers. Sasipada Banerjee started the newspaper called Deen Bandhu. Kaun sa statements sahi hai? 1 only, 2 only, both, ya none. Question number 3 is, which of the following personalities were involved in labor strikes during Swadeshi upsurge? Swadeshi movement ke time mein kaun se leaders involved the labor strikes mein? First, Chidambaram Pillai. Second, Ashwini Kumar Banerjee. थर्ड एस ए डांगी. कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 3 ओनली, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या नन ऑफ द अबव. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. और एडिटोरियल जब एंड होगा तो मैं आंसर्स आपको बता दूंगा. एडिटोरियल्स एंड होते के समय मैं आपको आंसर्स बता दूंगा. ओके, सो प्लीज अटेम्प्ट टिल देन. एडिटोरियल के बाद आप आंसर्स देख लीजिएगा. फर्स्ट एडिटोरियल इज प्लान्ड इनजस्टिस. नाउ ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप का, भी जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का जो प्लान बनाया है उन्होंने, वेस्ट एशिया प्लान जिसको बोल रहे हैं. कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं और ज़्यादा डिटेल में, अभी जब अपन न्यूज़ एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में आया है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ पे बेसिकली वेस्ट एशिया प्लान के बारे में है ये आर्टिकल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट एंड करने की कोशिश की है. तो व्हाट इज़ द प्लान? प्लान क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्लान, इसराइल कैन एनेक्स द जॉर्डन वैली एज वेल एज द ज्यूश सेटलमेंट ऑन द वेस्ट बैंक. तो प्लान का जो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि इसराइल का जो सेटलमेंट था जॉर्डन वैली में और वेस्ट बैंक में, है ना, जिसको उन्होंने एनेक्स कर लिया था, वो उनके पास ही रहेगा. मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट मेन है वो उन्होंने इसराइल के फेवर में कर दिया है. दूसरा, इट ऑल्सो रिकोगनाइजेज जेरूसलेम एज द अनडिवाइडेड कैपिटल ऑफ इसराइल. जेरूसलेम को अनडिवाइडेड कैपिटल घोषित कर दिया गया है इसराइल का. और पैलेस्टीन को क्या मिल रहा है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. जेरूसलेम का ईस्टर्न पार्ट जो है, जिसको ईस्टर्न जेरूसलेम बोलते हैं, वो पैलेस्टीन को दिया जाएगा, लेकिन जो जेरूसलेम है वो अनडिवाइडेड कैपिटल रहेगा इसराइल का. तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि प्लान जो है पूरा प्रो इसराइल है, मतलब कि पूरा इसराइल के फेवर में ही है. तीसरा है, इट प्रपोजेस टू एनलार्ज गाजा एंड स्वैप द अरब पॉपुलेटेड टाउन इन द साउथ ईस्ट इसराइल विद पैलेस्टीन फॉर पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक. एक और इन्होंने काम ये किया है, देखो पैलेस्टीन का भी थोड़ा सा एरिया बढ़ाया जा रहा है. कौन सा एरिया? जैसे इसराइल का जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे जो अरब पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इसराइल के से हट करके पैलेस्टीन में चली जाएगी. मतलब पैलेस्टीन के पास वो भेजने की बात की जा रही है. मतलब जो साउथ ईस्ट रीजन में इसराइल में जो अरब पॉपुलेशन है वो पैलेस्टीन को देने की बात की जा रही है. गाज़ा को थोड़ा सा इनलार्ज करने की बात की जा रही है, और अरब पॉपुलेटेड जो टाउन्स हैं वो पैलेस्टीन के हिस्से में आएंगे, याद रखना. इन रिटर्न दे विल गेट एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द श्रंकन वेस्ट बैंक एंड एन इनलार्ज्ड गाजा कनेक्टेड थ्रू द टनल. एक टनल बनाने की बात की जा रही है, जिससे गाजा से जो जुड़ा रहेगा आपका, याद रखना, एक टनल बनाने की बात भी की जा रही है. एंड इस तरह ये टनल से जब कनेक्ट कर दिया जाएगा ना, तो होगा क्या, बेसिकली कि जो पैलेस्टीन का हिस्सा रहेगा वो इनक्लोज रहेगा बाय इसराइल. मतलब इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा कि अगर आप टनल बना लेते हो और उसको इनलार्ज कर लेते हो, तो वो इस तरीके से इनसर्कल कर लेगा, ये पैलेस्टीन रहेगा और ये इसराइल वाला पार्ट रहेगा. तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा. तो पैलेस्टीन्स ने कैसे रिएक्ट किया है? द पैलेस्टीनियंस बिलीव दैट मिस्टर ट्रंप, हुज एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज जेरूसलेम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल, इज नॉट एन इंपॉर्टेंट निगोशिएटर बिटवीन द टू साइड. तो पैलेस्टीनियंस का ये मानना है कि वो इम्पार्शियल नहीं है, एंड ही इज़ नॉट एन इम्पार्शियल निगोशिएटर. अगर उनको किसी की बात माननी भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की मानेंगे जो इम्पार्शियल होगा, है ना. Therefore, Palestinians has rejected it even before the proposal was unveiled. The proposal open होने से पहले ही उनको reject कर दिया गया था by the Palestinians, क्योंकि Donald Trump is not an
impartial negotiator. They want an impartial negotiator. Okay. Editorial का view क्या है? It is true that Palestinians negotiation power are at their weakest point. Author का कहना है कि Palestinian का जो negotiating power है वो weak है and their leadership is divided. उनकी जो leadership है divided है and जो उनका सपोर्ट था अरब नेशन से वो भी इरोड होता जा रहा है, ठीक है ना, वो भी इरोड होता जा रहा है. एंड जब ये प्लान आया है तो इज़राइल ने भी सपोर्ट किया है और सऊदी अरेबिया ने भी जो इज़राइल पैलेस्टीन के जो टॉक्स हैं उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी सपोर्ट किया है. अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑथर का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है पैलेस्टीनियंस के साथ, उनका जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट था, ये सारी चीज़ें जो एनेक्स किया गया इज़राइल के द्वारा, उनमें सेटलमेंट बनाया गया, तो हाँ ये ज़रूर इग्नोर करने लायक नहीं है. बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार भी हुआ है, आप सबको पता ही है. तो भाई ऑथर ने कहा है कि आप मतलब इतने 10 साल 20 साल डिकेड्स से होने वाले जो अत्याचार है उनको इग्नोर करके और ज़्यादा अब अपनी टेरिटरीज को सरेंडर नहीं कर सकते टू इज़राइल, एंड इट लुक्स लाइक मोर देन अ प्लान फॉर फर्दर एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज. तो मैंने ये ऐसा प्लान लग रहा है कि इज़राइल को और ज़्यादा टेरिटरीज मिल जाएंगे इससे, और जो इनजस्टिस रहेगा वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा जो इनजस्टिस हुआ है पैलेस्टीन में. देयरफॉर एक तरह से ऑथर का भी व्यू पॉइंट ये है कि ये जो प्लान है ये ठीक प्लान नहीं, वेस्ट एशिया प्लान. अगला जो आर्टिकल है, टाइम टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड हेल्थ, ये आर्टिकल है, लीड आर्टिकल है. तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली इन्वेस्ट करो हेल्थ एंड एजुकेशन में ये बात बोली कि इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो करने की बात ऑथर ने की है. ऑथर हाईलाइट्स दैट द करेंट स्लो डाउन, मेनी ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर सजेस्टिंग दैट गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर फोकस इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑथर ने कहा है कि देखो करंट स्लोडाउन हुआ है जो, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन उनका जो फोकस है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. वो क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. उनका सबसे बड़ी बात ये ऑथर ने कहा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, सारी चीज़ें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, ट्रांसपोर्ट बना रहे हो, लेकिन आपको जो सबसे अधिक जिसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑथर का कहना है कि यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे ज़्यादा उनमें से भी एजुकेशन और हेल्थ को प्रियोरिटी देनी चाहिए. तो याद रखना ऑथर ने यहाँ पे बात की है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप एजुकेशन पे करो, हेल्थ पे करो. And we must remember that investment in physical infrastructure is not as labor intensive as that in other sectors. अब देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप करते हो इन्वेस्ट तो वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ही नहीं है. अगर आप एजुकेशन पे करते हो, हेल्थ में करते हो, तो ज़्यादा आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है. ऑथर ने ये भी कहा है कि सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप करते रहोगे तो इतना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है वो चीज़ जितना कि एजुकेशन हेल्थ है. एजुकेशन में आप सोचो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्कूल्स तो बनानी पड़ेंगी, मतलब एक तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा, प्लस आपको टीचर्स की वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, जॉब्स निकालने पड़ेंगे, प्यून्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें. तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन कहाँ होगा सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, कि आप जब इस तरीके से एजुकेशन में और हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तब. वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट, तो ऑथर ने यहाँ पे जो दिया है सजेशन वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का. देखो ये तो आता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो ह्यूमन वाला एस्पेक्ट है, ह्यूमन जो ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है बाय एजुकेशन बाय हेल्थ, ये आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में. यही चीज़ अभिजीत बैनर्जी ने भी कही है, जो कि नोबेल प्राइज जिनको मिला है एस्टर डेफलो के साथ पुअर इकोनॉमिक्स के लिए. ही हैज़ ऑल्सो बीन ट्रांसफरिंग दिस, एंड ये कहा उन्होंने बार बार, अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है, अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना. उन्होंने भी ये चीज सजेशन दिया है. और जैसे कि उन्होंने एक और स्कीम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे कि मनरेगा, मनरेगा के लिए भी उन्होंने ये चीज बोली थी, है ना. एंड ऑथर हाईलाइट्स दैट सोशल सेक्टर्स इन इंडिया आर ग्रॉसली अंडर फंडेड. ऑथर का ये कहना है कि जो सोशल सेक्टर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन हेल्थ का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अंडर फंडेड है. एक ये प्रॉब्लम भी है कि इनमें फंडिंग ज़्यादा नहीं होती, जीडीपी का 1-2% ही इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है. बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ देखेंगे 5% से लेकर 6% तक, 7% तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन इंडिया में 1-2% ही मेयरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो पॉलिसी मेकर्स को भी चाहिए कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है.
Most mainstream economists and policymakers also believe that public expenditure in social sectors can only have a long-term impact on growth and what is now needed in the macroeconomic policies. अब author ने यहाँ पे ये कहा है कि सबसे बड़ी बात कि अगर आप public expenditure करते हो social sectors में, मतलब कि education और health में, तो आपको long-term impact देखने को मिलेगा growth में. ग्रोथ जो आप कितनी कम है उसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में. अब देखिए यहाँ पे ऑथर ने ये क्यों बोला कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा. देखो क्या होता है, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना. ये बोलते हैं बहुत सारे, इनके इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेंगे. और अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि हमको ज़रूरत है शॉर्ट टर्म वाले, मतलब तुरंत तुरंत हमको फ़ायदा दिखने की. यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं है कि इसमें शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं मिलेगी, इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ग्रोथ मिलेगी. कैसे? अगर आप फॉर एग्जाम्पल RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो और इन्वेस्ट करते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको लगभग 5.7 मिलियन टीचर्स की और ज़रूरत है, मतलब 57 लाख टीचर्स की और जरूरत है. तो कहीं ना कहीं 57 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा आपको, और 57 लाख लोगों को अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इकॉनमी बूस्ट होगी या नहीं बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी. उसी तरीके से हेल्थ को भी अगर आप देखो तो हेल्थ में भी आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, कंपाउंडर्स की ज़रूरत है, प्लस आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सब बनाने पड़ेंगे. तो इन सब में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस आपका ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी. तो कंक्लूजन में ऑथर ने यही कहा है कि हो सकता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जेस्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यही है कि वो चीज़ अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, दूसरी चीज़ आपका आपका जो ग्रोथ मिलता है ज़्यादा सस्टेन्ड ग्रोथ मिलती है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है. तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट की है. थर्ड जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, कंप्रोमाइजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर मार्केटेबिलिटी. ओके, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फॉर मार्केटेबिलिटी. ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन द मोदी गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स साइंस, साइंस की तरफ जो गवर्नमेंट की अप्रोच है उसके लिए इम्पैक्ट किया गया, लिखा गया है ये. और ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है साइंस की तरफ वो कमर्शियलाइजेशन है, मतलब वो कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा है रादर देन साइंस का जो पर्पज होना चाहिए. तो साइंस का पर्पज क्या होता है कि साइंस का पर्पज होता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, इन्वेस्ट करने की, R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की. लेकिन हमारे यहाँ जो मेन फोकस है साइंस से भी वो मार्केटेबिलिटी है, उसको भी बेचना ही है. वाई इज इट बींग सेट, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? एट द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 107th साइंस कांग्रेस इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में आप सबको पता है कि 107th साइंस कांग्रेस हुई थी. ये फैक्ट भी याद रखना कि 107th जो साइंस कांग्रेस हुई है कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है. ओके, प्राइम मिनिस्टर सेड यंग रिसर्चर्स शुड इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर. तो क्या क्या ऑथर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यंग रिसर्चर्स शुड इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर. द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ बीन डायरेक्टिंग लेबोरेटरीज एंड अदर रिसर्च सेंटर्स टू अर्न देयर ओन रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज बाय मार्केटिंग देयर एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टिंग द सरप्लस टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर नेशनल मिशंस. तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा कि गवर्नमेंट जो है बार बार रिसर्चर्स को और इन सबको ये बोल रही है कि आप अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करो, यू शुड जनरेट योर ओन रेवेन्यू. अब देखो जब आप किसी को ये बोलोगे कि आप अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करो तो वो कुछ भी करेगा फॉर गेटिंग कमर्शियलाइज्ड, फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम दैट रिसर्च, है ना. तो ये कोशिश करते हैं, तो रिसर्च सेंटर जो है वो ज्यादा कोशिश ये करने लगे हैं कि खुद को कमर्शियलाइज कर लें और खुद को मार्केट में स्टेबलाइज करके बेच सके, है ना. द पॉलिसी, दिस पॉलिसी पोजिशन कैन बी ट्रेस्ड टू द देहरादून डिक्लेरेशन प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ CSIR लैब्स इन 2015. 2015 में एक देहरादून डिक्लेरेशन नाम की चीज प्रिपेयर की गई है बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द CSIR लैब, जो CSIR लैब्स है इंडिया में, उन्होंने किया है. यहाँ वहाँ पे उस देहरादून डिक्लेरेशन में क्या डिसाइड किया उन्होंने, दे हैव डिसाइडेड टू मार्केट द पेटेंट्स एज अ मीन्स टू सेल्फ फाइनेंस रिसर्च. खुद की मतलब जो पेटेंट्स हैं उनको मार्केटाइज किया गया है, उनकी मार्केटिंग की जा रही है फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग द रिसर्च, अपने रिसर्च को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए. तो ये जो मार्केट ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल है, मतलब कि ये जो मॉडल है जहाँ पे लोग ये साइंटिफिक जो कम्युनिटीज़ हैं, लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया की, वो खुद रिसर्च करके उनको बेचने के चक्कर में पड़ जा रही हैं, तो ये मार्केट ड्रिवन जो अप्रोच है ये ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन को इनकरेज कर रहा है रादर देन रिसर्च को, क्यूरियोसिटी को, रिसर्च को ये इनकरेज नहीं कर रहा है, ये इनकरेज कर रहा है आपका मार्केटाइजेशन, ये इनकरेज कर रहा है कमर्शियलाइजेशन को,
Okay, we are moving towards commercialization. This is what the author is saying. ये जो trend है, एक commercialization का trend है, ये science में start हो चुका है. And ये जो trend है, इससे जो है आपकी research जो capability है, जो research की curiosity है, वो decrease होती है. ठीक है ना? ये सबसे बड़ी बात है author ने कही कि जो scientific curiosity है, scientific temperature है, वो ज़्यादा decrease होता है. And business aptitude और commercialization ज़्यादा बढ़ता है. Author highlights that scientific research world over is under the threat of increasing commercialization. अब author ने आप ये भी कहा कि पूरे केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिल रहा है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो थ्रेट में है बाय इंक्रीजिंग कमर्शियलाइजेशन. ठीक है ना? कमर्शियलाइजेशन कारण जो ये थ्रेट है रिसर्च के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है. ओके, द इम्प्लिसिट assumption दैट द रिसर्च ऑफ institutes एंड universities इन अ कोर्स ऑफ टाइम विल ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग लाइक सर्विस सेंटर्स. तो ऑथर ने कहा कि जो बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट ये हो रहा है, कुछ दिनों में ये सर्विस सेंटर की तरह टर्न हो जाएगा कि आप सर्विस बताओ, हम आपके लिए वो रिसर्च करके देते हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. जो साइंस होता है वो इनोवेटिवनेस, वो इनिशिएटिव डेवलप करता है, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, वो मार्केट फंडे पे काम नहीं करता कि आपको क्या चाहिए हम वो बना देते हैं. ठीक है ना? वो अपने आप सोचते रहते हैं इस चीज़ को. एंड ऑथर ने भी यही कहा है बेसिकली कि जो साइंस है इज एसेंशियली एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड अ डिजायर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. विश्व को समझने की जो डिजायर होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, उससे साइंस चलता है. और अगर आप इम्फेसिस करेंगे, ज्यादा इम्फेसिस करेंगे कमर्शियलाइजेशन पे, तो उससे जो ये बेसिक, जो इसका बेसिक टेनेट है साइंस का, यानी कि जो बेसिक फीचर है साइंस का क्यूरियोसिटी वाला, वो खत्म हो जाएगा. एंड साइंस तभी चल सकती है जब क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो, नॉट बाय योर कमर्शियलाइज्ड पर्पस. तब साइंस नहीं चलेगी, तब उसको साइंस नहीं कहेंगे, तो उसको मार्केट कहने लगेंगे हम. ठीक है ना? सिंपल सी बात यह है. और गवर्नमेंट को जो है वो और ज़्यादा सस्टेन्ड फंडिंग देनी चाहिए, और रिसर्च सेंटर्स और लैब्स को ये नहीं कहना चाहिए बिल्कुल कि आप अपना खुद का पैसा ढूंढो. ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी स्पेंडिंग करनी चाहिए. बड़ी बड़ी कंट्रीज में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है. ठीक है ना? अ माइंडसेट प्रॉब्लम. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली है मनरेगा के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, उसमें शॉर्टेज ऑफ फंड के ऊपर. तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज़ में बताया था कि मनरेगा में जो फंड का शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा हो चुका है, मनरेगा में अब पैसे नहीं बचे. एंड द रिपोर्ट ने, एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 15 स्टेट्स हैव ऑलरेडी ओवर शॉट द बजट. 15 स्टेट्स ने अपने बजट को क्रॉस कर लिया है फॉर द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, एंड जो वेजेस हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं वो. ओके, तो अपने बजट को ओवर शूट कर लिया और वेजेस पे नहीं कर पा रहे हैं. एंड सेंटर भी इज़ रनिंग आउट ऑफ फंड्स. ये भी आपको पता चल गया कि सेंटर इज़ ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ फंड्स. तो ये इससे प्रॉब्लम जो हो रहा था, कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम में. वॉज दिस अनएक्सपेक्टेड? क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? तो दिस प्रॉब्लम वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड एज पर दी ऑथर. ऑथर का कहना है कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था. एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए जो एलोकेशन है फॉर द स्कीम इन द बजट प्रेजेंटेड इन July 2019 वर हायर कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो प्रीवियस ईयर से तो ज़्यादा था. ओके, लेकिन अगर आप देखो तो ओवरऑल जो वेजेस ड्यू थे, जो स्टेट्स में काम चल रहे थे, वो भी तो ज़्यादा थे. आपने ठीक है उसके हिसाब से अगर आप बजट एलोकेशन देखो तो वो ज़्यादा नहीं था. ओके, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आपको एब्सोल्यूट टर्म में देखने को मिलेगा कि हाँ पिछले साल से ज़्यादा बढ़ाया गया है. मनरेगा इंपॉर्टेंट क्यों है? मनरेगा आप सबको पता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एक्ट है. तो इससे क्या है बेसिकली कि लैंडलेस लेबरर्स जो हैं जिनके यहाँ क्रॉप फेलियर हो गया है, एग्रेरियन क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, अनस्किल्ड हैं वो लोग और अनएम्प्लॉयड है यूथ वहाँ का, तो ऐसे लोगों को काम दिया जाता था फ्रॉम दिस मनरेगा स्कीम. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को काम मिलता रहे और उन लोगों को द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू पुल आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से बाहर खींचने का काम ये मनरेगा बहुत अच्छा कर रहा था. सोशल ऑडिट में भी ये देखने को मिला था. और जो डिप्रेस्ड रूरल क्लासेस हैं, जो वहाँ पे मतलब कि जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, स्किल्ड लोग वहाँ पे हैं नहीं कि उनको अच्छे से जॉब कहीं और मिल जाए, तो वहाँ उनके लिए मनरेगा जो है एक लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है. ठीक है ना? और वहाँ पे फिर ऐसे में आप उनको पैसा ना दे पाओ, फंड ना दे पाओ, प्लस मनरेगा भी स्कीम अच्छे से ना चला पाओ, तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू. वॉट कुड बी डन? सबसे बड़ी बात कि देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन माइंडसेट. ओके, अ चेंज इन माइंड सेट इज देयर फॉर की इन नॉट जस्ट टाइडिंग ओवर प्रॉब्लम्स सच एज फंडिंग एंड वेज डिलेज, बट ऑल्सो इन यूजिंग देम एज एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द स्लो डाउन. यहाँ पे ऑथर ने कहा कि माइंडसेट चेंज करने की बात है. गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए और मनरेगा का यूज़ करना चाहिए टू स्पर द रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी को तेज करने के लिए गवर्नमेंट को मनरेगा का यूज़ करना चाहिए. इकोनॉमिस्ट ने भी ये पॉइंट आउट किया है टू अ स्लोइंग ऑफ रूरल कंजम्पशन विच हैज़ ड्रैग्ड डाउन द इकोनॉमी. इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि अगर रूरल कंजम्पशन कम होगा
उसने ही इकोनॉमी को खींचा है, रूरल कंजम्पशन भी कम हो गया है जिसने कि रूरल अपनी इकोनॉमी को पीछे खींचा है। तो आप रूरल कंजम्पशन को कैसे बढ़ा सकते हो रूरल एरियाज में पैसे दे करके? आप पैसे कैसे दोगे? फ्री फंड में तो आप छपवा के नहीं दोगे, तो आप उनसे मनरेगा में काम करवाओ, कुछ बिल्ड करवाओ और उनका यूज़ करो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, स्पर करने के लिए। तो उनको वेजेस टाइम पे करो, अगर आप उनको वेजेस पे करोगे तो वो स्पेंडिंग और कंजम्पशन भी करने लगेंगे, और जब वो स्पेंडिंग कंजम्पशन करेंगे तो आपकी इकोनॉमी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। तो दिस वॉज द आर्टिकल। अब ऑपेड पेज में जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो गांधी द डिसिडेंट। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये गांधीयन डिसिडेंट्स पे लिखा गया है, और ऑथर ने कहा है कि जो 2019 रहेगा वो गांधीयन ईयर की तरह देखा जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ऑथर? बिकॉज इट वॉज द ईयर ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखने को मिला कि जो ये 2019 का साल था ये साइलेंट प्रोटेस्ट का साल था अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। तो इंडिया में तो हुआ ही हुआ, आप सबको पता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा साइलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला, हांगकांग में देखने को मिला, अल्जीरिया में देखने को मिला, कैटालोनिया जो स्पेन वाला रीजन है वहाँ देखने को मिला, ईरान में देखने को मिला। तो सिटीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड टुक टू द स्ट्रीट्स इन 2019 टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट एंड देवर पुशिंग फॉर द चेंज। तो सिंपल सी बात, ऑथर ने यही बोली कि पूरे वर्ल्ड में, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में 2019 में देखने को मिला कि लोग स्ट्रीट्स पे उतरे, साइलेंटली प्रोटेस्ट किया और देवर पुशिंग फॉर द चेंज। चिली में भी लोगों ने पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ एवरीडे एमिनिटीज़, चिली में भी उन्होंने किया। लेबनान में डेमोन्स्ट्रेशन रेगुलरली हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स प्लान टू इम्पोज अ न्यू सेट ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स, जो लेबनान में ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जा रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चिली में किया। हांगकांग में आप सबको पता ही है फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। कैटालोनिया में भी, स्पेन में फ्रीडम हुआ फॉर मूवमेंट हुआ फॉर फ्रीइंग आउट द कैटालोनिया, स्पेन से अलग करने की बात वहाँ पे की जा रही थी, सब आपको पता है। तो एक्शंस ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो, तो 2019 में देखा होगा आपने कि ग्रेटा थुनबर्ग को ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा आगे आई, क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रयास किया, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखने को मिला क्लाइमेट चेंज के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हमने देखा है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और महात्मा गांधी की अगर राइटिंग्स अगर आप देखें, महात्मा गांधी जो लिखा है ही वॉज राइटिंग विगरसली ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो, एनवायरमेंट पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। उन्होंने एक कोट भी दिया है, द अर्थ प्रोवाइड इनफ फॉर सेटिस्फाइंग एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। ये कोट बहुत फेमस कोट है, कई लोगों ने अपने ऐसे में भी लिखा है ये चीज़ें, है ना। इनफैक्ट मैंने खुद ने ये चीज़ ऐसे में लिखी हुई है, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट अ सिंगल मैंस ग्रीड। मैंने इस फॉर्म में लिखा था कि सबकी नीड पूरी कर सकती है अर्थ, इतना प्रोड्यूस करती है सबकी नीड, लेकिन अगर एक आदमी की भी ग्रीड है तो उसको पूरा नहीं कर सकती। तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा था, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर सेटिस्फाइंग एवरी मैंस ग्रीड एवरी मैंस नीड बट नॉट इवन अ सिंगल मैंस ग्रीड। मैंने इसको इस तरह से लिखा था, तो थोड़ा अच्छा लगा था मुझे। गांधी एज डिसिडेंट, गांधी एज अ डिसिडेंट, अब गांधी जी का रोल एज अ डिसकंटेंटेड लीडर, एज अ डिसिडेंट, अब ऑथर ने यहाँ पे बताया है, तो वी रिफर हिम एज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सन, मतलब वो नॉन कन्फॉर्म नहीं करते थे, कुछ भी आप जैसे बोलो तो उसको ऐसे मान लेने वालों में से नहीं थे कि आपने बोला कुछ और उन्होंने मान लिया। तो He always had a desire to excel. He always had a desire to excel. And वो हर चीज़ में पहले देखते थे कि क्या ये rationally possible है या नहीं है, rationally सही है या नहीं है, और हर चीज़ों में वो कहीं ना कहीं अपना freedom, democracy ये वाले aspects ढूंढ लेते थे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि he was trying to be excellent in every field. ओके, सबसे बड़ी बात ये है। And Gandhian movement of dissidence has been endorsed by all those who have maintained that unjust laws of the state or a community are contrary to the higher law or moral conscience. तो moral conscience के सामने जितने भी लोग झुकते हैं और जितने भी लोग जो भी बड़े लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मोरल कंसेंस की बात की, वो सब गांधी के डिसिडेंस को फॉलो करते हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े लीडर्स क्यों ना, लेकिन वो गांधी जी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं अगर वो मोरल कंसेंस की बात करते हैं, ऐसा ऑथर ने कहा है, ठीक है ना। एज अ सिटीजन डिसिडेंट गांधी वॉज कमिटेड गैफली हु वॉज अवेलेबल टू अदर्स एंड एंगेज इन अ डायलॉग विद देम। ओके, and therefore what Gandhi continues to teach non-violent protesters is that citizens should be present in the public space where dialogue and dissent can defeat fantasism and violence. सिंपल सी बात ऑथर ने है कि गांधी जी भी यही बिलीव करते थे कि citizens should be present in the public space जहाँ पर dialogue और dissent हो, dialogue और dissent हो, लेकिन कहीं पर भी violence और fantasism ना हो। ओके, तो violence और fantasism को हमेशा ignore करो और dissent करो, कोई बात नहीं है, dialogue करो, आप बातचीत करके सीधे समझाओ तो सबसे बड़ी बात है ना। गांधी जी को ही हमने अपना कंटेम्प्रेरी मारा, ऑथर का ये कहना है कि वी हैव केप्ट गांधी एज अवर कंटेम्प्रेरी बिकॉज ऑफ हिज डिसिडेंट एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट से भी आप कर सकते हैं, आप सबके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आपके राइट्स छीने जा रहे हैं, यू शुड क्वेश्चन दैट अथॉरिटी, ठीक है ना।
अगला जो आर्टिकल है रोड मैप फॉर रोबस्ट ट्रेड टाइज, है ना। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आर्टिकल लिखा गया है, इंप्रूविंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड। ये जो आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए लिखा है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, द चैलेंज बिफोर द टू नेशंस इज ट्रांसफॉर्मिंग दीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इनटू ट्रेड रिलेशनशिप। ऑथर ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद पास है वो ये है कि ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम कर रहे हैं उनको ट्रेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बीन एट मॉडेस्ट $31 बिलियन। हमारा जो ट्रेड है वो $31 बिलियन है एंड ये जो लार्जली होता है ये रिसोर्स जैसे कोल और मिनरल्स में ही होता है। ओके, निगोशिएशंस हो रहे हैं फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना कि निगोशिएशंस जो थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दैट स्टार्टेड इन 2011, हैव नॉट मूव्ड फॉरवर्ड सिग्निफिकेंटली। ये मूव फॉरवर्ड नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़े हैं सिग्निफिकेंटली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है दैट अडानी ग्रुप के साथ हो रही है, who has to begin his work on the coal mining project in Queensland, okay? And Queensland में start करना था उनको mining project, वहाँ पे भी coal mining का, तो वो भी एक issue बन के रह गया है। Free trade agreement भी sign नहीं हो पाया है। कुछ actions लिए जरूर जा रहे हैं, जैसे कि एक committee बनाई जा रही है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035 रिपोर्ट, ओके। पीटर वर्गीज ने एक रिपोर्ट निकाली जिसको इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035, 2035 तक की इंडिया और इकोनॉमी की, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके लिए एक रिपोर्ट लिखाई गई है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप लिखा गया है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इंगेजमेंट विद इंडिया। जो ये रिपोर्ट है ना, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035 रिपोर्ट, इसको पीटर वर्गीज ने किया है। तो इसमें लगभग 20 साल की स्ट्रैटेजी, अगले आने वाले 20 साल की स्ट्रैटेजी, जिसमें ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बनाया गया है कि किस तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इंगेजमेंट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए, द वीकेस्ट लिंक इन इंडियाज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया इज मर्चेंडाइज। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको मर्चेंडाइज और तीन और सेक्टर्स में हमको देखना चाहिए। तो तीन ब्रॉड एरियाज दिए गए हैं बेसिकली ऑथर द्वारा, जहां पे हमको देखना चाहिए। फर्स्ट, डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन मार्केट्स आर कंट्री स्पेसिफिक एंड कल्चर सेंसिटिव। जो मार्केट्स हैं कंट्री स्पेसिफिक होते हैं और कल्चर सेंसिटिव होते हैं, कल्चरली सेंसिटिव होते हैं। तो इंडियन कंपनीज विल नीड टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर इन मार्केट रिसर्च। हमको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में कि किस तरीके के कंजम्पशन है, किस तरीके के कंज्यूमर है, उनको चाहिए क्या। देखो सिंपल सी बात है, मैक आलू टिक्की अगर आपको पता हो तो ये प्रोडक्ट एक्चुअल मैकडोनल्ड्स प्रोडक्ट नहीं है। जब उन्होंने इंडिया को स्टडी किया तब उन्होंने देखा कि यार है तो यार आलू खाते हैं हर चीज में, अगर आलू बनाना है तो मैकडोनल्ड्स में भी उन्होंने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैक आलू टिक्की बनाते हैं तो ये लोग खाएंगे। तो वही वाली बात है कि ये मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वही चीज करनी चाहिए इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया का। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्रांड कॉन्शियस मार्केट व्हाइल इंडिया हैज नॉट क्रिएटेड अ सिंगल कंज्यूमर ब्रांड ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ब्रांड कॉन्शियस मार्केट है और हमने अभी तक कोई ब्रांड ऐसा कुछ बनाया नहीं है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे लेदर हो, चाहे कहीं भी हो, हमने कोई ऐसा ब्रांड नहीं बनाया। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने ब्रांड्स बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। तीसरा जो है, इनोवेशन इज इमर्जिंग एज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेन्ड सक्सेस इन एवरी स्फीयर। अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी भी सेक्टर में तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, ओके। क्रिकेट ने भी इनोवेशन किया और 2020 फॉर्मेट लेके आया ना, इसी तरीके कुछ इनोवेशन की ज़रूरत है। और ग्लोबल ट्रेड भी ऐसा ही है, इसी का हिस्सा है, और वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप इनोवेट करते हो, तभी आप जा करके कुछ अच्छा कर पाओगे। ये सारे सजेशंस ऑथर ने दिए हैं। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार आंसर्स। तो आज के क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो BAC था, ओके। याद रखना BAC। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने लेबर्स के लिए पूछा था कि अर्ली नेशनलिस्ट का लेबर के मूवमेंट के ऊपर क्या व्यू था, तो इसका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बिपिन चंद्रपाल सुब्रमण्यम अय्यर डिमांडेड बेटर कंडीशंस फॉर वर्कर्स, शशिपदा बनर्जी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दीनबंधु, इसका आंसर है ए, 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, दीनबंधु किसने शुरू किया था ये फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर इन्वॉल्व इन द स्वदेशी अपसर्ज, चिदम्बरम पिल्लई, अश्विनी कुमार बैनर्जी, एस ए डांगी, इसका आंसर है 1 and 2, चिदम्बरम पिल्लई एंड अश्विनी कुमार बैनर्जी, ओके। तो BAC, दिस इज द आंसर फॉर टुडे। तो अब हम मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या न्यूज़ आई है आज।
सबसे पहले फ्रंट पेज पर आते हैं। फ्रंट पेज की पहली जो न्यूज़ है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, टाइम लिमिट ऑन एडवांस बेल वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सेक्शन है सेक्शन 438, ओके सेक्शन 438 है आपका सीआरपीसी का, ओके सीआरपीसी का सेक्शन 438 है सीआरपीसी, जो कि बोलता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि अरेस्ट होने से पहले आपकी जो बेल हो जाए, अरेस्ट होने से पहले जो आपकी बेल होती है वो कहलाती है एंटीसिपेटरी बेल। अब इसमें बहुत बड़ा एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि इसमें जो टाइम लिमिट है, मतलब कि क्या टाइम लिमिट, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे गए थे, टू फोल्ड क्वेश्चंस वर देयर, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ पर्सन अंडर सेक्शन 438 शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड टिल द अक्यूज्ड सरेंडर्स इन द कोर्ट, कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल है क्या ये तभी तक अवेलेबल रहनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति कोर्ट में ना पहुंच जाए, मतलब कोर्ट के में जाने से पहले की प्रोसेस है। दूसरा, वेदर द लाइफ ऑफ एंटीसिपेटरी बेल शुड एंड व्हेन द अक्यूज्ड इज समंड बाय द कोर्ट, जब कोर्ट उसको बुला लेगा तो क्या उस एंटीसिपेटरी बेल की जो लाइफ है वो एंड हो जानी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन थे बेसिकली, इन पे ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि प्रोटेक्शन जो है एंटीसिपेटरी बेल का, जो प्री अरेस्ट बेल है, ये प्री अरेस्ट बेल अरेस्ट होने के पहले बेल है, इट कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी टाइम फ्रेम। इसको अगर आप फिक्स्ड कर दोगे या इस तरह से आप बोल दोगे कि हाँ इसका लाइफ यहाँ पे एंड हो जाएगा, देन दैट विल बी अमाउंटिंग टू सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो बेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई लोग फेक आप केसेस कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जब फेक केस हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अच्छा काम भी करते फिर भी उनके ऊपर इस तरीके से अरेस्ट हो जाता है, तो उन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे लोगों को मतलब अनजस्टिफाइड अरेस्ट से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेटरी बेल, इसलिए फिक्स्ड पीरियड नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। सिंपल सी बात, याद रखिएगा, टाइम लिमिट नहीं हो सकता ऑन एडवांस प्री अरेस्ट बेल और एंटीसिपेटरी बेल। ओके, जो 1898 का सीआरपीसी, अगर हम ओल्ड सीआरपीसी देखें तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था जो कि करेंटली 438 जैसा हो। ओके, याद रखना, लेकिन अभी जो करेंटली अगर आप देखोगे तो उसमें सेक्शन 438 है जो कि एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 24 सितंबर 1969 हाईलाइटेड द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोविजन ऑफ कोड इनेबलिंग कोर्ट्स टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल एज एन एंटीडोट। तो ये लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था 24 सितंबर 1969 को, है ना, कि एक इंट्रोड्यूस करो आप कोड के अंदर ही चेंज करो कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल दी जा सके एज एन एंटीडोट टू डिटेंशन इन फॉल्स केसेस। जो फॉल्स केसेस होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, उनमें अरेस्ट ना होने पाए इसलिए आप एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन करो, है ना। एंड जो क्लॉज 447 है ऑफ द ड्राफ्ट बिल 1970, ये इनैक्ट किया गया, तब जाके मॉडिफिकेशन हुआ सेक्शन 438 में सीआरपीसी 1973 में। तो पुराना वाला सीआरपीसी 1898 का था और नया जो सीआरपीसी है वो सेक्शन 438 है सीआरपीसी 1973 में, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच 1980 में केस था जिसको बोलते हैं गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसने इंटरप्रेट किया दैट द पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इज कास्ट इन वाइड टर्म्स एंड शुड नॉट बी हेज्ड इन थ्रू नैरो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ओके, और ये केस जरूर याद रखना, गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेज द स्टेट ऑफ पंजाब, एंड इट हेल्ड दैट कोर्ट्स कुड इम्पोज कंडीशंस विच वर अप्रोप्रिएट, कोर्ट्स ऐसी कंडीशंस लगा सकती हैं जो कि अप्रोप्रिएट हो। गुरबख्श सिंह सिब्बिया केस 1980 का केस है, ये भी एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द निर्भया कन्विक्ट प्लीज, तो निर्भया कन्विक्ट जो थे, इसमें मुकेश है ये आपको दिख रहा होगा, तो इसकी जो प्ली थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फाइनली, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कैबिनेट नॉट फॉर रेजिंग अबॉर्शन लिमिट टू 24 वीक्स, अब यूनियन कैबिनेट है जिसने, उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को हरी झंडी दे दी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 जो है वो किस एक्ट को अमेंड करेगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब का है, 1971 का है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 का आया है जो कि अमेंड करेगा इस एक्ट को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को टर्मिनेट करेगा, अमेंड करेगा। और इसमें जो लिमिट है, प्रपोज्ड लिमिट है, वो अभी जो है अबॉर्शन की वो लिमिट है 20
20 वीक्स, ओके, अपर गेस्टेशन जो लिमिट है एबॉर्शन की वह है 20 वीक्स, लेकिन उसको बढ़ा करके 24 वीक्स किया जाएगा फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए ये 20 वीक्स से बढ़ा करके 24 वीक्स किया जाएगा, और वो वुमेन कौन कौन सी होंगी, बेसिकली वल्नरेबल वुमेन इंक्लूडिंग सर्वाइवर्स ऑफ रेप या विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, इंसेस्ट यानी जो आपका इन फैमिली सेक्स होता है, ये अगर हो रहा है तो ये इंसेस्ट की कैटेगरी में आता है। सर्वाइवर्स ऑफ रेप हो गए, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट हो गए, एंड अदर्स लाइक डिफरेंटली एबल्ड वुमेन्स एंड माइनर्स, तो ये कैटेगरीज ऑफ वुमेन है जिनके लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा वो 20 वीक्स से बढ़ा करके 24 वीक्स किया जा रहा है। नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड शैल नॉट बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, ओके, तो उनका नाम रिवील नहीं किया जाएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, ओके। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एंड हो गई है, एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन फाइनली एंड होता है बाय द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कई बार न्यूज़ में आ चुका है इसलिए मैंने आपको फिर एक बार बता दूँ, अबाइड विद मी, ये ट्यून याद रखना, क्रिश्चियन ट्यून है अबाइड विद मी, ये महात्मा गांधी की वन ऑफ द फेवरेट हिम्न है, और पहले ये कहा जाता था कि अबाइड विद मी को हटा दिया जाएगा, इस बार इंडियन ट्यून्स वंदे मातरम लाने की बात की जा रही थी लेकिन अबाइड विद मी से ही एंड किया गया इस बार का भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये जो आपका बीटिंग रिट्रीट सेलिब्रेशन था, अबाइड विद मी इज अ क्रिश्चियन ट्यून याद रखिएगा, एंड महात्मा गांधी की फेवरेट ट्यून्स में आता है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है तो हो सकता है पूछ ले आपसे, इसलिए इसको नाम याद रखना है ना। अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, RIL यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड लेज आउट रोड विद प्लास्टिक वेस्ट, तो RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने एक रोड बनाई है विद प्लास्टिक वेस्ट, लगभग 50 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट उसमें यूज़ किया गया है, एंड ये नागोथाने टाउनशिप, ये नागोथाने जो प्लेस है ये महाराष्ट्र में प्लेस है, तो याद रखना अगर आपसे पूछे कहाँ पे भी रिसेंटली 40 किलोमीटर का प्लास्टिक रोड बनाया गया है, प्लास्टिक का यूज़ करके रोड बनाया गया है, तो वो नागोथाने इन महाराष्ट्र, यहाँ पे ये जो आपको बोर्ड भी लिखा है, दिस रोड हैज़ बीन रीसर्फेस्ड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़े इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, एडवांटेजेस ये कि द इंक्लूजन ऑफ प्लास्टिक इन द रोड मिक्स हैज़ इनहेंस्ड इट्स ड्यूरेबिलिटी, तो अगर आपसे कहीं पूछता है कि इस तरह क्वेश्चन आता है कि आप कैसे वेस्ट कम कर सकते हो, तो आप वहाँ पे सजेशन में डाल सकते हो, जब भी आप GS3 में आंसर राइटिंग करोगे इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो आप बोल सकते हो, इस एग्जाम्पल केस स्टडी दे सकते हो इसका, इस रोड का एग्जाम्पल दे करके, नागोथाने रोड का, कि ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने प्लास्टिक वेस्ट से बनाया था और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो गई, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, और उसमें कॉस्ट भी कम लगी, जो कॉस्ट है वो कम लगी, लोअर सीपेज ऑफ वाटर है, लेसर इरोजन ऑफ रोड है, इतने दिन से रोड काम कर रही है, उसमें ट्रक्स भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, बट उसमें ज़्यादा आपको पॉट होल्स नहीं दिखेंगे, एंड लोअर सीपेज ऑफ वाटर है, रिड्यूस एब्रेशन ऑफ टायर्स, उससे टायर्स भी एब्रेशन कम हो रहा है, कॉस्ट भी कम देखने को मिले, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको प्लास्टिक यूज़ करने से इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ये देखने को मिला, वेस्ट तो कम हुआ ही हुआ, प्लस आपका एक कंस्ट्रक्शन हुआ, कॉस्ट कम लगी, है ना, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो, तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड नागोथाने रोड एरिया याद रखना है। अगले पेज पे आते हैं, अवार्ड फॉर कश्मीरी जर्नलिस्ट, ये अवार्ड बेसिकली है गौरी लंकेश अवार्ड, ये मिला है यूसुफ जमील को, एंड 2019-20 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड ये मिला है, पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म, किसको मिला है, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूसुफ जमील, याद रखना 2019-20 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड मिला है यूसुफ जमील को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है बताना जरूरी, नहीं तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर गौरी लंकेश अवार्ड नहीं बताया आपने। अक्षय कुमार टू शूट इन बंदीपुर फॉर मैन वर्सेज वाइल्ड, तो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो होस्ट है वो कौन है, याद रखना कि ब्रिटिश बियर ग्रिल्स है, ओके, ब्रिटिश है बियर ग्रिल्स, एंड पता नहीं क्यों इंडियंस के पीछे पड़ गया है, पहले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिम कॉर्बेट में शूट किया था, ये इंपॉर्टेंट है जरूर कि कहाँ पे शूट किया था, याद इसमें ये जरूर रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शूटिंग की थी वो जिम कॉर्बेट में की थी, याद रखना जिम कॉर्बेट में, और ये रजनीकांत और अक्षय कुमार जो हैं वो बांदीपुर में करेंगे, ओके, अक्षय कुमार भी बांदीपुर में ही करेंगे, याद रखना इस चीज़ को, ये भी है रजनीकांत, अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी, ये तीन लोगों ने बियर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड में शूट किया, तो ये भी ना पूछ ले कि इनमें से कौन कौन ने किया है किसने नहीं किया, UPSC है उसका भरोसा नहीं है, बहुत बना लेता है, मैन हू न्यू इन्फिनिटी पूछ लिया था उसने रामानुजम के ऊपर जो मूवी आई थी, ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। नेशन पेज पे आते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, ईमेल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन हैक्ड, तो बहुत सारा डाटा बीच हुआ है देखने को, जैसे कि आप बार्क की वेबसाइट ले लो, सेबी की ले लो, गुजरात गवर्नमेंट की ले लो, या इसरो की ले लो, तो बहुत सारा डेटा जो है वो हैक हो गया है, और उसको हो सकता है कि उनका डेटा बहुत ज़्यादा
किया भी, चोरी भी हो चुका है, तो क्लीनअप परफॉर्म किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सिक्योरिटी कैसी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, न्यू जज टू ज्वाइन द बेंच। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक नई जो बेंच है, 5 जज बेंच, उसमें एक नए मेंबर को ऐड किया जा रहा है। अब अपने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है क्या। तो भोपाल डिजास्टर कहा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को। एक गैस की लीकेज हो गई थी इन द मिडनाइट ऑफ 2nd and 3rd December 1984, 1984 में 2 और 3 दिसंबर के बीच में एक लीकेज हुई थी गैस की एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, वहां पे ये लीकेज देखने को मिली। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर को कंसिडर किया जाता है। चेर्नोबिल के लेवल का ही डिजास्टर माना जाता है इसको भी, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जो गैस लीक हुई थी वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। और 2 और 3 दिसंबर की रात को ये चीज़ हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था जो कि भोपाल में लोकेटेड है। ओके, NCRB मिसिंग पर्सन्स डेटा नाउ अवेलेबल ऑनलाइन। तो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो मिसिंग पर्सन का डेटा है वो अवेलेबल हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है ना। तो NCRB के बारे में आपको बता दूं कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द क्राइम डेटा। ये क्राइम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो IPC है, SSL यानी कि स्पेशल लोकल लॉज हैं, इन सब से कलेक्ट करते हैं केसेस को और फिर अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। NCRB का हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में है, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA का पार्ट है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। करंट डायरेक्टर जो है वो रामफल पवार IPS ऑफिसर हैं। NCRB बना था 1986 में, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986 टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स का एक रिपोजिटरी की तरह काम करने के लिए इसको 1986 में बनाया गया था, याद रखना इसको 1986 में बनाया गया था, फॉर एक्टिंग एज अ रिपोजिटरी फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल्स। अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है यहाँ पे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंस्पायर्ड बाय नरेंद्र मोदी, साइना नेहवाल जॉइंस BJP। तो साइना नेहवाल ने भी BJP ज्वाइन कर ली है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू हैव वॉन एन ओलंपिक्स मेडल, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ये। एंड 2012 के लंडन ओलंपिक्स में शी अचीव्ड दिस व्हेन शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल उनको 2012 में मिला था लंडन ओलंपिक्स में। एंड शी ऑल्सो रेज द बार फॉर इंडियन बैडमिंटन विद द फर्स्ट एवर सुपर सीरीज टाइटल इन 2008। पहला सुपर सीरीज टाइटल जीतने वाली महिला भी वो बन गई थी 2008 में। सॉरी, पद्म अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये अवार्ड ही हुए हैं। अब इन्होंने कहा कि ये इंस्पायर्ड थी नरेंद्र मोदी से, देयरफॉर शी हैज ऑप्टेड फॉर ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स एंड नाउ शी इज फ्रॉम BJP। ओके, याद रखना इस चीज को। अब हम वर्ल्ड पेज पे देखें, विल ट्रम्प्स प्लान हेल्प रिजॉल्व इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडिटोरियल में मैंने आपको बताया ही है, मैप में आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एड्रोल वाले पार्ट में कि क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो आर्टिकल है ये वेस्ट एशिया प्लान के ऊपर है। वेस्ट एशिया पीस प्लान बनाया किसने है, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। सबसे बड़ी बात, ये किसको फेवर करता है, इसराइल को कि पैलेस्टीन को। सिंपल सी बात है, ये इसराइल को फेवर करता है। कैसे फेवर करता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसराइल को एक एक्सपेंसिव स्टेट, देखो जो इशूज़ थे वो क्या क्या थे, इसे जैसे कि इसराइल चाहता था कि उसको एक्सपेंसिव स्टेट का दर्जा मिले, प्लस उसका जेरूसलेम पे आधिपत्य बना रहे, प्लस उनका बॉर्डर और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे, मतलब कि वो गाजा स्ट्रिप का जो पार्ट उन्होंने ले लिया वो उनके पास ही रहे। ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान में बेसिकली यही कहा है, 2 स्टेट का सोल्यूशन तो ज़रूर दिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें मान ली है। प्लान क्या है, बेसिकली प्लान वही है कि इसराइल वुड बी अलाउड टू एनेक्स द ज्यूइश सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक एज वेल एज जॉर्डन वैली। जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक दोनों के जो सेटलमेंट है वो इसराइल के पास रहेंगे। पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजी थे, अब सिंपल से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये भी कि पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजी थे जिनको कि फोर्स किया गया था 1948 में जब अरब इजरायली वॉर हुआ था, उस समय जो लोगों को निकाल दिया गया था, जो पैलेस्टीनियंस वहाँ थे और उनको जिनको निकाल दिया गया था, उनको वापस लौटने का कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है इस प्लान में भी। दे विल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम। याद रखना कि इस जो पीस बनाया ना आपने, इसमें भी याद रखना है, इसमें भी दे कैन मूव टू द फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट, वो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट में जा सकते हैं, बट दे वुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न, दे विल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न। तो रिफ्यूजीज का भी जो क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं किया गया, जिनको अपने घर से निकाला गया था 1948 के अरब इजरायली वॉर में। एक और याद रखना कि देयर वाज अ 6-day war एज वेल, 6 दिन का एक वॉर चला था 1967 में, एक वॉर हुआ था जिसमें इजरायल और 5-6 powers लड़ी थी, वो 6 दिन ही वॉर चला था 1967 में। 1948 में एक वॉर हुआ था आपका अरब इजरायली वॉर, 1967 में
भी एक वॉर हुआ था, ये भी याद रखना। जेरूसलेम विल बी द कैपिटल, अनडिवाइडेड कैपिटल ऑफ इसराइल, और पैलेस्टीन को ईस्टर्न पार्ट मिलेगा जिसको ईस्टर्न जेरूसलेम कहा जाता है, वो इनका रहेगा। अब देखो पैलेस्टीन का भी डिमांड यही था कि ईस्टर्न जेरूसलेम उनको मिल जाए, ये चीज़ वो कहीं ना कहीं डिमांड करते थे, लेकिन दे वांटेड गाजा स्ट्रिप एरिया, जॉर्डन वैली एरियाज टू बी फ्रीड बाय द इजरायली एक्सपेंशन, जो इसराइल ने कर लिया है असम्पशन आपका जॉर्डन वैली का और गाजा स्ट्रिप का, वो जरूर पैलेस्टीनियन फ्री चाहते हैं, बट जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया उसमें जॉर्डन वैली और वो जो एरिया है वो अभी भी इसराइल के हाथ में ही रहेंगे, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है याद रखना। 1967 के बॉर्डर के अकॉर्डिंग चाहता है, 1967 जो प्री बॉर्डर है 1967 में वो चाहता है पैलेस्टीन, इसलिए कोई इसमें सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन चाहता है कि सब कुछ देयर शुड बी फॉर्म्ड ऑन बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर, यानी कि पूरा वेस्ट बैंक और पूरा जो गाजा स्ट्रिप है ईस्ट जेरूसलेम के साथ वो पूरा मिल जाए पैलेस्टीन को, ओके। और इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा ओल्ड हाउसेज ऑफ हरामेश शरीफ, ओके याद रखना हरामेश शरीफ नाम की जगह है जिसको कि टेंपल माउंट भी कहा जाता है, इट्स अ होली साइट फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड ज्यूस, याद रखना यार ये इंपॉर्टेंट है हरामेश शरीफ, ओके या हरमेश शरीफ, हरामेश शरीफ कुछ भी बोल सकते हो आप, एंड इट इज़ नोन एज टेम्पल माउंट, इट्स अ होली साइट फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड ज्यूस, और ये भी पैलेस्टीनियंस डिमांड कर रहे हैं बेसिकली, एंड वो रेफ्यूजीज़ का भी राइट डिमांड कर रहे हैं दैट दे शुड बी सेटल्ड एंड उनको भी अपने घर रिटर्न करने का वो होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। ये इसराइल है मैप में दिख रहा होगा, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, याद रखना इस चीज़ को, इसराइल इजिप्ट एंड जॉर्डन ये आपको दिख रहा होगा, एंड ऊपर सीरिया आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो प्लान है दैट इज़ नॉट इन कंसनेंस विद द पैलेस्टीनियन डिमांड, पैलेस्टीन जो चाहता है उसके साथ प्लान कॉन्सनेंस में नहीं है बेसिकली, है ना, तो याद रखना इस चीज़ को। बिजनेस पेज पर आते हैं, वहाँ पे देखते हैं, देखो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको लगे कि मैं SFL शिप्स फॉर कंसाइनमेंट बताऊँ, आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बताऊँ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बता सकते, है ना। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर थी यहाँ पे कि RBI ने एक नया मेंबर जनक राज ढूंढा है, थर्ड मेंबर ऑफ MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। देखो क्या होता था पहले, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, ये सारी चीज़ डिसाइड करता था गवर्नर अपने विम्स एंड फैंसेस में, गवर्नर केवल अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेता था, लेकिन बाद में यह हुआ कि अब गवर्नर अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करेगा, इसके लिए एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि एक साथ मिलकर के डिसीजन लेगी, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए दो सेक्शंस आए, एक है सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 CCI 2-3 CCI, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45ZB ऑफ द सेम एक्ट, मतलब कि ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के ही सेक्शन 45ZB का सबसेक्शन है 1, उसके अंतर्गत ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिफाइन किया गया है, उसको बनाया गया है, ठीक है ना। MPC देखो डिफिनीशन उसकी है सेक्शन 2-3 CCI में, डेफिनीशन है सेक्शन 2-3 CCI में और कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्शन 45ZB का 1 में, याद रखना डेफिनीशन 2-3 CCI, डेफिनीशन जितनी भी रहती है ना किसी भी एक्ट की वो सेक्शन 2 में ही रहती है, ये हमेशा याद रखना, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनीशन का ही रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसका 45ZB का सबसेक्शन 1 जो है उसके अंदर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या रिप्लेस किया, मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटली गवर्नर लेता था, लेकिन अब जो डिसीजन लिया जाएगा वो पूरा का पूरा किसके द्वारा लिया जाएगा, आपका एक पूरा बोर्ड रहेगा जिसमें 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है ना। इसमें 6 मेंबर रहते हैं जिसमें गवर्नर रहता है चेयरपर्सन, RBI का डिप्टी गवर्नर रहता है, प्लस एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय RBI बोर्ड, एक ऑफिशियल RBI बोर्ड भी नॉमिनेट करता है वो भी रहता है, ठीक है ना। 3 मेंबर जो रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कमेटी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि रिकमेंड करती है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसका चेयरपर्सन, RBI गवर्नर रहता है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहता है, ये 3 लोग मिलकर के प्लस 3 एक्सपर्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सजेस्ट करते हैं, तब जाके वो 3 मेंबर बाकी के सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो 3 RBI से हो गए, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गए, ठीक है ना। जो ये गवर्नमेंट वाले नॉमिनीज है ना, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इनका जो टर्म रहता है वो 4 इयर्स का रहता है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनका टर्म 4 साल का रहता है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एंड MPC की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें कम से कम 4 लोगों का ज़रूरत है कोरम बनाने के लिए, 4 मेंबर्स ज़रूरी है, उनमें से एक मेंबर या तो गवर्नर हो या फिर डिप्टी गवर्नर हो, ये भी जरूरी है, कोरम 4 मेंबर से बनेगा और कम से कम एक को गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होना चाहिए। MPC जो डिसीजन लेता है वो मेजॉरिटी से लेता है बेस्ड ऑन वोटिंग, और अगर टाई हो जाए 3-3 हो जाए तो RBI जो होगा उसके पास
कास्टिंग वोट का पावर रहेगा, ठीक है ना। एंड द डिसीजन ऑफ द कमिटी वुड बी बाइंडिंग ऑन आरबीआई, जो कमिटी का डिसीजन होगा वो आरबीआई पे बाइंडिंग होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।